हेलो फ्रेंड्स, माय नेम राना आमिर नज़ीर है और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। फ्रेंड्स, कुछ कोर्सेज मैंने मेंशन किए हैं जिनके कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर आना आमिर नज़ीर टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा और मेरी वीडियोज़ को ये सब्सक्राइब के बटन से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर पर। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो ये है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किस तरह से बनाते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता क्या है बेसिकली? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर ही होता है कि अगर आपका डोमेन कंट्रोलर जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है किसी वजह से लिंक डाउन हो गया है तो उसकी जगह फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एज अ डोमेन कंट्रोलर वर्क करता है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने का मेथड ये है कि हमने एक और सर्वर 2001 इंस्टॉल किया है, अब उसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट में जाकर डीसी प्रोमो की कमांड ऐड करेंगे, डीसी प्रोमो चेकिंग इफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बिन बैनरीज आर इंस्टॉल्ड। यूज एडवांस पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर है इसलिए हम एग्जिस्टेंस फॉरेस्ट करेंगे। अगर हमारा न्यू डोमेन कंट्रोलर होता फिर हम क्रिएट अ न्यू डोमेन करते। तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम एग्जिस्टेंस करेंगे और ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। हमारे पास डोमेन है, अब हम उसमें जो है एग्जिस्टिंग डोमेन में ही ये डोमेन को ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने डोमेन कंट्रोलर का नेम दे देंगे, हमारे डोमेन कंट्रोलर का नेम है dc.com दे दिया। यहाँ से अल्टरनेट क्रेडेंशियल्स करेंगे, यहाँ पर सेट करने से जो डोमेन कंट्रोलर है हमारे पास dc.com का उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ से हम उसका यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। देन ओके पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एग्जामिनिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, पहले से वो जो है अपने एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट को एग्जाम कर रहा है, उसको चेक कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो अभी ये हो जाता है विद इन सम सेकेंड्स। तब तक हम अपनी वीडियो को पॉज करते हैं। स्टूडेंट देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए डीसी फॉरेस्ट रूट डोमेन कंट्रोलर आ गया है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एग्जामिनिंग एक्टिव डायरेक्टरी कर रहा है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइड नेम्स, देन नेक्स्ट DNS देख रहा है। ये देखिए हमें ग्लोबल कैटलॉग DNS सर्वर इसमें कह रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, इसको हम अनचेक रहने देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर करेंगे, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का भी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट देन यस वे कह रहे हैं रेप्लीकेट डाटा ओवर द नेटवर्क फॉरम एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर। वो कह रहा है कि आपका जो है डाटा वो आप नेटवर्क ओवर अ नेटवर्क इस डोमेन कंट्रोलर के थ्रू डाटा रेप्लीकेट करना चाहते हैं या किसी मीडिया डिवाइस के थ्रू लाइक USB या USB DVDs वगैरह, तो अभी हम ओवर अ नेटवर्क कर देते हैं। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें यूज़ द फ्लोइंग डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करेंगे, dc.com डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ NDDCS इस वॉल का फोल्डर है, इन फोल्डर्स में आपके यूज़र्स की आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनकी डाटाबेस जो होती है वो सेव होती है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इनको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे आप अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का पासवर्ड लगाएंगे, जो भी आप अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को पासवर्ड देना चाहते हैं। देन नेक्स्ट जो भी आपने इंफॉर्मेशन की है ये सब की उसकी समरी आ गई है, यहाँ से आप समरी एंड पर ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट और ये आपका जो है डोमेन कंट्रोलर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा टाइम लेगा तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन गया है। देन फिनिश पर क्लिक करें, एंड रिस्टार्ट नाउ की ऑप्शन मांग रहा है, अभी आपको इसको रिस्टार्ट नाउ करना ज़रूरी है तो इसको रिस्टार्ट नाउ कर देते हैं। जब तक ये रिस्टार्ट होता है तब तक हम अपनी वीडियो को फ्रेंड्स ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रिस्टार्ट हो गया है। अब हम ये चेक करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन गया है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर पर आकर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टी पर क्लिक करें, देन ये देखें ADDC जो है हमारे सिस्टम का नाम है, सर्वर 2008 का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ये उसके सिस्टम का नाम है और ये dc.com हमारी डोमेन का नेम है। तो ये देखें नीचे डोमेन भी लिखा आ रहा है dc.com, इसका मतलब है कि हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन गया है।
इसको फर्दर वेरिफिकेशन करने के लिए आप अपने डोमेन कंट्रोलर पर जाएं, यहाँ से आकर अपना सर्वर मैनेजर को ओपन करें। सर्वर मैनेजर को ओपन करने के बाद सर्वर मैनेजर को ओपन करें और वहाँ पे जाकर आप अपने DNS को ओपन करके देखेंगे। अगर उसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की एंट्री आ गई है और जो कुछ डोमेन कंट्रोलर में है वो बिल्कुल डुप्लीकेट होकर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन गया है। तो ये अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं। रोल्स में आए, DNS में आए, DNS DC, ये देखिए फॉरवर्ड लुकअप में आकर हमने DC को ओपन किया। DC में आकर ये देखें ADDC और इसका IP है 192.168.1.1, यानी ये ADDC इधर आ गया है और रिवर्स लुकअप जूम में भी ये चला गया है। ये देखें ज़रा, ये 1.2 इसमें भी आ गया है ADDC.com। अब अगर देखते हैं कि अगर यही रेप्लिकेशन, यही सारी चीज़ें अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बिल्कुल ठीक से वर्किंग कर रहा है। बिल्कुल इसको भी इसी तरह से देखेंगे, सर्वर मैनेजर पर क्लिक करेंगे। सर्वर मैनेजर पर क्लिक करने के बाद रोल्स में DNS जो हमने इंस्टॉल किया था इसके साथ ही, ये हमारा सेकेंडरी DNS है, इसको ADDC करेंगे। फॉरवर्ड लुकअप जोन में आकर DC को देखेंगे। हम ये देखें इसमें भी बिल्कुल वो आ रहा है, ये ADDC आ गया, ये डोमेन कंट्रोलर आ गया, जो क्लाइंट जो हमने इसमें ज्वाइन करवाया था वो आ गया और ये इसका IP आ गया 1.2। इसी तरह रिवर्स लुकअप जोन में भी देखेंगे, उसमें भी ये देखें तो दोनों एंट्रीज आ गई हैं। इसका मतलब है कि हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बिल्कुल ठीक से वर्किंग कर रहा है। अब हम कुछ भी जो भी काम करेंगे डोमेन कंट्रोलर में, वो हमारा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होकर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।